बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सर खैरियत से होंगे। जी, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया होगा और आपने अपने नीट रजिस्टर पे इसका होमवर्क भी कर लिया होगा। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कॉल्स मेड आर गिवन, कंप्लीट द टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग द आइटम्स। ये आपने नंबर ऑफ कॉल्स या आपके पास गिवन है कितनी कॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टेलीफोन बिल को कंप्लीट करना है। किस तरह? कॉल रेट एट द रेट ऑफ रुपीज़ आपके पास गिवन है 5, CET गिवन है 15% एंड WH टैक्स है आपके पास 4%। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 5.30, स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, दिस इज 5.30। 5.30 आपके पास नंबर ऑफ कॉल्स हैं। नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है? दिस इज 5.30। कॉल चार्जेस यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉल रेट क्या है, 5 रुपीज़ 5 पर कॉल, यानी कि टोटल हमारी कितनी कॉल्स हैं 5.30। तो कॉल चार्जेस एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5 तो हमारे पास बनेगा 5.30, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉल्स कितनी हुई 5.30, तो ईच कॉल का कितना आ रहा है 5 रुपीज़, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, 5.30 मल्टीप्लाई 5 कीजिए तो ₹2,650 ये आ गया। नेक्स्ट वो कह रहे थे CED एट द रेट ऑफ 15%, CED एट द रेट ऑफ 15% किस पे? जो आपके पास टोटल चार्जेस आ गए जो आपने फ़ोन कॉल्स की उस पे कितने चार्जेस थे 2650, तो हम 15% की जगह इसको हमने, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे है, 15% ऑफ कॉल चार्जेस, तो कैसे हम करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉल चार्जेस हैं 2650। सॉल्व कर लें इसको, तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आता है 397.50। नेक्स्ट है टेक्स्ट एट द रेट ऑफ 4%, ये भी ऐसे 4% ऑफ किस पे, कॉल चार्जेस पे, 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉल चार्जेस 2650। सॉल्व कर लें इसको, दिस इज ₹106। ठीक है जी, अब आपने टोटल अमाउंट निकाली है, ताकि कैसे कि ये तो चार्जेस सिर्फ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ के कॉल पे आए, अब आपने CET ये और जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट इन सब को टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट था 2650 प्लस कर, सेकंड 397.50 प्लस ये हमारे पास CED था, नेक्स्ट हमारे पास टैक्स जो आया था दिस इज 106, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया ₹3153.50। क्लियर बेटा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके रिमेनिंग पार्ट्स आपने इनको खुद करना है। ठीक है, आई होप सो कि इन क्वेश्चंस में मज़ीद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 127 पे, यहाँ पे डेफिनेशन मार्क कीजिए. पर्सनल इनकम, द इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल वाइल वर्किंग ऑन डेली, वीकली, मंथली और एनुअली बेसिस इज कॉल्ड पर्सनल इनकम ऑफ अ पर्सन. यानी कि एक इंसान कोई भी जो भी अर्निंग करता है डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली या एनुअली बेसिस पे, तो वो उसकी जो भी वो लेता है, दिस इज कॉल्ड द इनकम, यानी कि पर्सनल इनकम ऑफ अ पर्सन, उस इंसान की पर्सनल इनकम कहलाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आप नाउ ओपन योर पेज नंबर 129. ग्रॉस इनकम ऑफ अ सैलरी पर्सन क्या होता है? ग्रॉस इनकम ऑफ अ सैलरीड पर्सन इंक्लूड बेसिक पे, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस. यानी कि उसकी जो बेसिक सैलरी में ये तमाम जो चीज़ें इंक्लूड हों उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट है पेज नंबर 130, इनकम आफ्टर डिडक्शन. द टोटल इनकम और टेक होम सैलरी ऑफ अ पर्सन मीन्स द सैलरी रिसीव आफ्टर नेसेसरी डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी. अभी हमने ग्रॉस सैलरी का मैंने आपको बताया कि ग्रॉस सैलरी वो होती है जिसमें आपके पास रेंट, हाउस रेंट और इसके अलावा आपके पास दूसरे अलाउंसेस इंक्लूड हो जाएं. अब उनमें से ये कह रहे हैं जो आपके पास ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से कोई ख़ास अमाउंट जो डिडक्शन हो जाए, यानी द टोटल इनकम में से जो आपकी इनकम है उसमें से जो भी आपको रिसीव्ड हो रही है जो डिडक्ट हो जाए, आपकी ग्रॉस सैलरी में से जो बच जाएगी वो आपकी इनकम होगी. ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है. कल इंशाल्लाह हम पूरी डेफिनेशन इसको सैलरी तक करनी है, जो पीछे भी हैं वो भी कंप्लीट हैं. तो इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे. आपने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लेनी है, जिसका होमवर्क भी रह गया है वो भी कंप्लीट कर लें. एंड नोट डाउन द डायरी, एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क और इसकी डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2. ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा.